हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ आपके और मेरे अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज मैं आपके लिए यूलैग मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 12 के सेक्शन डी के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 12 के सॉल्यूशंस की पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 23rd क्वेश्चन कहता है कि वी हैव 90 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। हमें इनमें से एक कार्ड निकालना है और हमें बताना है कि जो हम कार्ड पिक आउट करेंगे उसमें जो कार्ड निकल कर आएगा वो 2 डिजिट के नंबर वाला होगा, या सेकंड कहता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, थर्ड कहता है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा, उसी तरह से फोर्थ कहता है कि और नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो आइए देखिए कैसे करेंगे इसे। मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दिया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए बच्चों, हमारे पास में 1 से लेकर 90 तक के बीच में नंबर्स हैं। अगर हमें बोला जाए 2 डिजिट के नंबर्स, तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर होगा हमारा 10 और सबसे बड़ा जो यहाँ दे रखा है वो है 90। तो अगर हमें टोटल नंबर्स को काउंट करना है तो हमारा तरीका होता है 90 माइनस 10। तो सबसे पहले हम 90 में से 10 को माइनस करेंगे और जितना भी रिजल्ट आएगा उसमें मुझे 1 प्लस करना होगा। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारी 90 ही है, तो ये बनेगा ऊपर 81 अपॉन में 90। इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो 9 बाय 10 इसका आंसर हो जाएगा। जो सेकंड कहता है अ परफेक्ट स्क्वायर, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर इसमें कितने होंगे, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, इसके बाद आएगा 64, 64 और 81। इसके बाद के जो नंबर होंगे वो 90 से एक्सीड कर जाएंगे, तो हमारे पास में यहाँ प्रोबेबिलिटी बनेगी, हमें इनके नंबर्स को काउंट कर लेना है। तो ये आएगा आपका 9 बाय 90, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1 बाय 10। तो अच्छा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन नंबर डिविजिबल बाय 5 बोला है, तो 1 से लेकर 90 के बीच में पहला नंबर 5 होगा, दूसरा 10, इसी तरीके से लास्ट नंबर हमारा 90 भी होगा। हमें अगर ये पता करना हो कि टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, तो हम 90 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर बनेगा आपका 18। तो 18 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं 1 टू 90 के बीच में, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 18 बाय 90। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 बाय 5। जैसे हमने नंबर डिविजिबल बाय 5 निकाला, उसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 3 भी हम करेंगे। तो देखिए पहला नंबर मल्टीपल ऑफ 3 3 ही होगा, फिर 6, फिर 9, इस प्रकार से हमारे जो टोटल नंबर बनेंगे वो 90 तक ही जाएंगे। तो यहाँ जो हमारे टोटल नंबर आएंगे, देखिए एपी बन रहा है, हम यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पर 30 ही आएगा, या आप इसे फर्दर इसी तरीके से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी 30, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो ये बनेगा 30 अपॉन 90, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बनेगी 1 बाय 3। बच्चों तो यही इनके आंसर्स हो जाएंगे। बच्चे 24th क्वेश्चन कहता है कि एक हॉस्पिटल यूज्ड वाटर इन कलेक्टेड इज कलेक्टेड इन अ सिलैंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। देखिए हमें यहाँ पर एक सिलैंड्रिकल फॉर्म में एक टैंक दे रखा है, इसमें से कुछ पानी को हमें इसमें पोर करना था और हमें इसकी हाइट बतानी है कि ये कितनी हाइट रेज हो जाएगी। तो देखिए जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वही इस वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इक्वेट कर दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ डेट फील्ड, यानी रेक्टेंगुलर ये बॉक्स होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स है, या ये पार्क है तो यहाँ पर देखिए पार्क लिख रखा है, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड यानी पार्क बन जाएगा। हमें यहाँ पर इन दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वेट करना था। अब देखिए इसमें हमें किस प्रकार से करना है, यहाँ दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करा 5 टाइम में ये कट जाएगा। अब जो इसे काटना नहीं है, क्योंकि काट देंगे तो ये वैल्यूज हमारी पॉइंट में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये होगा हमारा 3.14 बराबर 100 इंटू का h। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 100 अपॉन में जाएगा तो हमारी यहाँ से टोटल हाइट आएगी और 2 पॉइंट आगे लग जाएंगे हमारी 0, तो ये कुछ इतना बनेगा और ये मीटर में है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो 24th क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास में फ्रस्टम दे रखा है जिसकी मैंने फिगर पहले से बना दी है, इसमें हमें वॉल्यूम और एरिया फाइंड आउट करना था, तो वॉल्यूम और एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्टली इसे सॉल्व करेंगे। जो इसमें बस एक ये चीज़ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, या मैं ये कहूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है हमारे 1 लीटर के।
देखिए फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में ये हमारी वैल्यू बनेगी 8624 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमें यहाँ पे कीमत पूछी थी जिसमें कि 1 लीटर की कीमत जो है वो 25 रुपये है, तो हमारी टोटल आई लीटर 8.624, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से तो हमारे रुपीज में आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसका एरिया निकालेंगे, तो देखिए ये कुछ इस तरीके का शेप थी इसकी, और उन्होंने कहा है कि ये ऊपर से टॉप अप पे नहीं, ये शेप इसकी अगर हम उल्टा करके बना देंगे तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाएगी और इसमें जो आंसर आ रहा है वो हमारा रेडियस इसी 14 को लेकर ही आ रहा है। तो देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी 14 सेंटीमीटर R1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मेटल सीट बोली है, ये ऊपर से ओपन है तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आएगा और ये बेस का एरिया भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, जहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर हम निकाल लेंगे। अच्छा 25th क्वेश्चन कहता है कि एक टावर है 40 मीटर हाई, जिससे कि फुट से देखने पर एक बिल्डिंग का एंगल बनता है 60 डिग्री, और 40 मीटर हाइट पर जाकर उसका एंगल बन जाता है उसी के टॉप का 30 डिग्री। तो हमें बताना है कि इसकी टोटल हाइट कितनी होगी इस लाइट हाउस की, और मुझे इसके बीच की दूरी भी बतानी है। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमने पहले इन ट्रायंगल ABE लिया जिसमें 10 30 बराबर AB/BE बन गया, इक्वेट करेंगे और Y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद में मैंने ट्रायंगल ACD लिया है, देखिए ये एक ACD ट्रायंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनना है, तो इसमें भी हमने वैल्यू को इक्वेट कर दिया, 1060 की वैल्यू बराबर हो जाएगी AC यानी कि ये परपेंडिकुलर, अच्छा ये टोटल परपेंडिकुलर हो जाएगा और CD जो है ये हमारा बेस हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारी x+40/√3। अब देखिए यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने इक्वेट कर दिया, यहाँ से हमारे पास में जो x की वैल्यू बनेगी वो आएगी हमारी 20 मीटर। तो देखिए ये जो x है ये हमारा 20 मीटर आ गया, लेकिन टोटल जो लाइट हाउस की हाइट है वो हमारी बनेगी 60 मीटर। इसके बाद में हमसे टोटल डिस्टेंस भी पूछा था उन्होंने, तो ये हमारे दोनों बिल्डिंग, ये लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच की दूरी हो जाएगी, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए x की वैल्यू हमारी निकल कर आई 20, तो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया x की वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास में y बना 20√3 मीटर। तो बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो 25th क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से दे रखा है, जिसमें कि आपको टावर की हाइट निकालनी है, मैंने इस टावर की हाइट को h सपोज कर लिया यानी AC बराबर h मीटर, यहाँ यूनिट मेंशन कर देंगे h मीटर। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ABE को लिया, ट्रायंगल ABE में 10 30 डिग्री बराबर ABE, बच्चों ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 30 की वैल्यू रखी 1/√3, यहाँ से BE निकाल लिया √3 AB, और BE को मैंने डिनोट कर दिया y से, तो y बराबर आएगा √3 AB। ठीक इसी तरीके से हम छोटे वाले ट्रायंगल इस ACD ट्रायंगल में भी फॉर्मूला लगाएंगे 1060 का, तो यहाँ से भी y की वैल्यू हमारे पास में आएगी √h/√3। हम इसको सेकंड इक्वेशन कर देते हैं। अब देखिए जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करूंगा तो यहाँ से AB की वैल्यू बनेगी, ये √3/ में आ जाएगा, तो √3 × √3 ये 3 हो जाएगा, तो AB आएगा हमारा h/√3। अब देखिए नाउ AC बराबर, देखिए AC ये टोटल हाइट थी, AC में AB+BC, AB+BC जोड़ देंगे, तो देखिए AC की वैल्यू को हमने h लिख दिया, AB हमारा निकल कर आया h/3+10। इस वाली वैल्यू को यहाँ पर ले जाएंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 2h/3=10, ये 2 से इस टाइम में 5 टाइम में कट जाएगा और h बराबर आएगा आपका 15 मीटर। तो जो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो 26th क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन दी है, तो ये कंस्ट्रक्शन आप खुद से कीजिएगा, मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको कराता हूँ। जो 27th क्वेश्चन कहता है कि अनिल किसी काम को करने में 6 दिन कम लेता है वरुण से, और अगर वरुण और अनिल दोनों मिलकर इस काम को करें तो ये काम 4 दिन में ही खत्म हो जाएगा। हमसे पूछा है कि वरुण के द्वारा लिया गया समय कितना होगा अगर वरुण अकेले ही इस काम को करे। तो देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट टोटल वर्क बी 1,
मैंने टाइम एंड वर्क की वीडियो भी डाली हुई है, तो आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट वरुण टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट दिस वर्क। अगर वरुण एक्स डेज ले रहा है तो क्वेश्चन में दिया है कि अनिल जो है 6 दिन कम लेता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अनिल टेक्स एक्स -6 डेज टू कंप्लीट दैट वर्क। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है हमारे पास में कि दोनों के द्वारा किया गया काम, जो जब हमारे एक्स डेज में ये पूरा काम करेगा, तो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूं यानी कि 1 डे में ये कितना वर्क करता है, तो ये 1/x होगा, और यहाँ 1 डे वर्क इसका हो जाएगा 1 अपॉन x -6। और देखिए दोनों मिलकर जो काम है वो 4 दिन में खत्म करते हैं। अगर बच्चों ये 4 दिन में दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो इनका 1 डे वर्क हो जाएगा 1/4, तो इसे हम इक्वेट कर देंगे 1/4 के। अच्छा यहाँ एलसीएम लेंगे एक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स प्लस का वो एक्स इक्वल्स 1/4, ये बनेगा 2x माइनस का 6 अपॉन में x² माइनस का 6x बराबर 1/4। बच्चों ये आ जाएगा 8x माइनस का 24 इक्वल्स x² माइनस का 6x। हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन आएगी x² माइनस का 14x प्लस का 24 इक्वल्स 0। इसके फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से फैक्टर बनकर आएगा हमारे पास में 12 माइनस 2x प्लस का 24 इक्वल्स 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें x -12 और दूसरी वैल्यू मिलेगी x माइनस का 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी हमारी वह आ जाएगी या तो 12 डेज या फिर 2 डेज। अब देखिए अच्छा यहाँ पर हमने वरुण के द्वारा लिया गया जो समय था वो x डेज माना था, और हमसे पूछा भी क्वेश्चन में वरुण का ही है, तो बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि वरुण को अगर ये काम वरुण अकेला करता तो वरुण को लगने वाला समय हो जाता 12 डेज, तो बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो 28th क्वेश्चन में कह रखा है कि सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स, तो यहाँ पे देखिए इनका सम जो है s1 s2 और s3 है। हमें प्रूव करना है कि s3 इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ s2 -s1। अच्छा यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लिख दिया है, हमें कुछ नहीं सिंपली इनकी वैल्यूज को इक्वेट करके फॉर्मूले में पुट कर देना है। जो 29th क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कल में AB एक डायमीटर है जिसमें कि ए पॉइंट से एक हमने टेंजेंट ली है। क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि अगर मैं इसी टेंजेंट के पैरेलल कितनी भी कॉर्ड अगर सर्कल में ड्रॉ करता हूँ तो वो सभी कॉर्ड बाइसेक्ट होंगी। तो देखिए किस प्रकार से हम इसे करेंगे। देखिए क्योंकि MN पैरेलल है CD के, तो देखिए यहाँ जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहाँ भी बन जाएगा, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा हमारा। तो देखिए हमने क्या करना है, CD को QD के बराबर दिखा देना है। हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल लिए COQ, और दूसरा ट्रायंगल लिया DOQ। तो देखिए OD बराबर CO होगा, ये रेडियस है हमारे सर्कल का, और OQ कॉमन हो गया, और ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल दोनों ही साइड बन जाएगा। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड से, तो बाय CP CT CQ बराबर DQ भी हो जाएगा। आप देखिए कोई भी यहाँ पे कॉर्ड बना लीजिए, मान लीजिए हमने एक कॉर्ड यहाँ पे ले ली, तो ये भी पैरेलल है इसके, तो देखिए बच्चों यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। हम कोई भी कॉर्ड बनाएंगे, ये देखिए ये अगेन रेडियस हो जाएगा, तो ये आपस में बाइसेक्ट ही कर जाएगी। देखिए 29th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसके अंदर इन सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर O है, और इसकी रेडियस दी गई है इस सर्कल की R। तो देखिए हमें जो प्रूव करना है वो है ट्रायंगल ABC का एरिया हमें यहाँ पर दिखाना था हाफ ऑफ R इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए हमें क्या करना है, एक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एक बच्चे ये टेंजेंट हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, देखिए यहाँ पे तीन छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, एक हो गया AOB, एक हो जाएगा जो AOC और एक हो जाएगा BOC। तो हम तीनों के एरिया को अगर आपस में ऐड कर दें तो हमें टोटल एरिया यहाँ से मिल जाएगा। तो हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है, हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर तीनों के एरिया के सम के इक्वल। देखिए यहाँ बेस हो जाएगा AB, हाइट हो जाएगी हमारी OP। हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज को इस जगह पे आर रख दिया, हाफ इंटू आर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा AB प्लस AC प्लस BC, और जो यही इसके पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा।
इसके रिजल्ट को कुछ इस तरीके से भी ये रिजल्ट आ सकता है पेपर में, आर इंटू एस, क्योंकि बच्चों ये एस होता है ये सेमी पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर का हाफ कर देंगे, यानी कि अगर मैं इस पेरीमीटर का हाफ कर दूं तो ये देखिए ये टोटल वैल्यू आपकी एस के बराबर आ जाएगी। तो रिजल्ट इस तरीके से भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है, सॉरी इसका मैंने सेकंड पार्ट पहले आपको बता दिया। देखिए फर्स्ट पार्ट इसमें ये टेंजेंट गिवन थी, तो टेंजेंट कहते हैं क्वेश्चन में अगर एक सर्कल है और इससे कोई टेंजेंट पास होके जा रही है सेम पॉइंट से, तो ये टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। तो देखिए उसी तरीके से AP बराबर AR हो जाएगा, BP बराबर BQ एंड CQ बराबर RC। हमें इसी तरीके से इसे ऐड करना है क्योंकि हमें रिजल्ट में AB और CQ एक साइड चाहिए थी, तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे और इसके रिजल्ट को हम इक्वल करके दिखा देंगे। तो चाहिए हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर A बराबर m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए सबसे पहले मैंने n की और m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन ए कॉस ए निकाल ली। मैंने यहाँ से राइट हैंड साइड को पिक किया, m की जगह पे वैल्यू रखी, तो ये m स्क्वायर बनेगा माइनस का 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1। और इस वाले साइड में हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये साइन स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा या साइन भी नीचे रह जाएगा। इसी तरीके से इसका भी हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर ये रिजल्ट बन जाएगा। इसके बाद में हमने इस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी को ऊपर की तरफ ले गए, तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर बी और ये साइन स्क्वायर बी तो कट जाएगा। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद में देखिए मुझे ऊपर रिजल्ट दे रखा था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जबकि नीचे यहाँ कॉस स्क्वायर अलग से नजर आ रहा है, तो मुझे इसे भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज को कॉस स्क्वायर बी को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख देंगे, क्योंकि हम एक रिजल्ट जानते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। मीन्स यहाँ पे जो एंगल होता है हम यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए हमने इसी रिजल्ट का यूज करा और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये देखिए यहाँ पे ये माइनस इसके साथ में होगा ये माइनस, लेकिन इस साइन के माइनस और माइनस की वजह से यहाँ आ जाएगा प्लस। इसके बाद में आप देख सकते हो ये रिजल्ट इसके साथ में कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी देखिए सेम वैल्यूज दे रखी हैं, तो सिर्फ आपके पास में बचेगा कॉस स्क्वायर ए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव अ नाइस डे।